हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली फ्रॉम द चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो आपका पेपर वन से लिया गया है। यूजीसी नेट पेपर वन की जो यूनिट है वो आज मैं कवर कर रही हूँ कम्युनिकेशन को। आज मैं मोस्ट बेसिक जो टॉपिक है कम्युनिकेशन का वो लेने जा रही हूँ। आज से हम कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और डेली मैं आपके लिए कम्युनिकेशन की वीडियोज डालती रहूंगी और संडे को हम इसके ऊपर लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आज टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन का वो आपको बताया जाएगा इसमें कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोस यूजीसी नेट पेपर वन के लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, तो आज की जो वीडियो है ये वो हम शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। दैट मीन्स कि हम जब किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, इम्पार्ट करते हैं किसी की तरफ, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं बाय द वे ऑफ स्पीकिंग, दैट मीन्स बोलकर या राइटिंग लिखकर या किसी अदर मीडियम के थ्रू, अगर हम किसी को भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा गया है इसके अंदर? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड, साइंस और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एटसेट्रा टू समवन एल्स। इसमें क्या है कि हम क्या चीज पहले क्या चीज हम ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं या हम अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स जब किसी को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को सेंड करते हैं ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें, और वो किसके थ्रू करते हैं? बाय द वे ऑफ वर्ड्स का यूज करके करते हैं या किसी साउंड का यूज करते हैं या साइंस का यूज करते हैं या किसी तरह के बिहेवियर के थ्रू हम ये सब कुछ जो है एक से दूसरे पर्सन की तरफ एक्सचेंज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिकेशन के। यस, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके कम्युनिकेशन में दो पर्सन्स का होना जरूरी है। ये दो पर्सन्स कौन होते हैं? एक तो होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर मीन्स जो हमारा मैसेज एक पर्सन को दूसरे पर्सन से सेंड कर रहा है, दैट मीन्स सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज टू अनदर पर्सन। ओके, दैट इज सेंडर, एंड इसे हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं। और रिसीवर वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है, सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को जो रिसीव कर रहा है, दैट इज रिसीवर। इसे हम कम्युनिकेटिव भी कहते हैं। ओके, सेकंड जो हमारा ऑप्शन आ जाता है, सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ये टू वे प्रोसेस होनी चाहिए। दैट मीन्स इसके अंदर सेंडिंग और रिसीविंग ही नहीं होना चाहिए मैसेज का। दैट मीन्स एक पर्सन ने मैसेज सेंड किया और दूसरे ने उसे रिसीव कर लिया, ये इनफ नहीं है। ये तब तक कंप्लीट नहीं माना जा सकता जब तक मैसेज रिसीवर के द्वारा सेम सेंस में समझा ना जाए। दैट मीन्स जिस तरीके से सेंडर जो मैसेज उसको भेजना चाहता था, रिसीवर उसे उसी ही वे में ले, उसी ही वे में समझे, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, कम्युनिकेशन का रिसीवर जो है वो समझे मैसेज को कि जो उसे सेंड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे, उसी के अकॉर्डिंग जो है फीडबैक दे वापिस सेंडर को। तो ये हमारा होता है पर्पस कम्युनिकेशन का कि जिस वे में उसे मैसेज बताया जा रहा है उसी वे में रिसीवर उसे अंडरस्टैंड करे। ओके, फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में टेक सेवरल फॉर्म्स, कई तरीके से हम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। दैट मींस कम्युनिकेशन हम किसी ऑर्डर का, इंस्ट्रक्शंस का, किसी रिपोर्ट, क्यूरीज, इनमें से किसी भी चीज का कम्युनिकेशन जो है वो किया जा सकता है। कई तरीकों से कम्युनिकेशन के फॉर्म्स होती हैं, ये अलग अलग कि ऑर्डर सेंड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं किसी को किसी चीज के बारे में, या क्वेरीज जो है क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है। कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल और रिटन दोनों तरीके से हो सकता है, और इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। दैट मीन्स फॉर्मल, दैट मीन्स रूल वाइज भी हो सकता है, दैट इज हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल कि ये विदाउट रूल्स रेगुलेशंस के भी हो सकता है, जो कि हमारा कहाँ होता है, इन द सोसाइटी। जब हम अपनी फैमिलीज में बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओके, देन फिफ्थ वन इज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है? कम्युनिकेशन प्रिवेल्स ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसमें सारे के सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स कवर कर लेता है ये। इट इज असेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे हर जगह पर, हर एक एरिया में जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप है या मैनेजमेंट का किसी भी लेवल पर है। तो कम्युनिकेशन जो है वो हर एक जगह पर जरूरी है, हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप पर अप्लाई होता है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, सिक्स्थ वन इज कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डेट मीन्स डायनामिक होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो चेंज हो सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूड एंड थिंकिंग ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर का मूड कैसा है, उसका माइंड सेटअप कैसा है माइंड का, या उसकी थिंकिंग क्या है, उसके द्वारा हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, द वे अ मैसेज इज एक्सेप्टेड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट विच ऑफ द फाइन सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ रिसीवर इज एक्टिव एट दैट टाइम। इसका क्या मतलब है कि मैसेज एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा, डेट मीन मैसेज रिसीव कैसे किया जाएगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि रिसीवर का उस समय पर कौन सा सेंसरी ऑर्गन ज्यादा एक्टिव है। उस बेस पर, उसी पे डिपेंड होता है कि वो मैसेज को किस तरीके से लेगा, कि वो सुन रहा है या देख रहा है या समझ रहा है बाय ब्रेन, वो कौन सा सेंसरी ऑर्गन उसका सबसे बेस्ट काम कर रहा है, कैसे कैसे वो कितना, कौन से सेंसरी ऑर्गन उसके उस टाइम पर एक्टिव हैं। तो मैसेज की एक्सेप्टेंस भी उसी के ऊपर डिपेंड होगी। अगर वो एक्टिव है तो मैसेज इजिली, डेट मीन्स वेरी क्लियरली उसके पास चला जाएगा, नहीं तो वो मैसेज को क्लियरली नहीं समझ पाएगा। ओके, सेवंथ पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स से बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन सिर्फ सेंडिंग और रिसीविंग नहीं है, फैक्ट्स ही। दैट मीन्स इसमें सिर्फ फैक्ट्स ही सेंड या रिसीव नहीं किए जाते, इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस भी किया जाता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स आइडियाज एंड इमोशंस। इसमें कई तरह के आइडियाज और इमोशंस होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कई तरह के आइडियाज और इमोशंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज डन थ्रू साइंस, सिंबल्स और जेस्टर्स। इसके कई तरह के, कई हमने कम्युनिकेशन जो है, हमें जरूरी नहीं है कि हम उसे बोलकर एक्सप्रेस करेंगे या बताएंगे या राइट करके बताएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम डायरेक्टली साइंस, सिंबल्स और जेस्टर्स के थ्रू, डेट मीन्स इशारों के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एट्थ वन इज कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड है। डेट मीन्स इसका कुछ ना कुछ गोल होता है, उस गोल को पूरा करने के लिए ही हम जो है इस कम्युनिकेशन को करते हैं। और ये इफेक्टिव तभी माना जाता है जो सेंडर और रिसीवर का गोल है कम्युनिकेशन करने का, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा पूरा हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रही है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी रही है। ओके, नाइन्थ इज कम्युनिकेशन इज कन्वर्सेशनल। कम्युनिकेशन जो है कन्वर्सेशनल है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो लिंक सेटअप करती है, लिंक डिसाइड करती है फैक्ट्स आइडियाज के बीच में, जो कि कम्युनिकेटर को
हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, प्रोग्रेस को लॉजिकली कम्युनिकेट करने के लिए जो है कम्युनिकेटर की हेल्प करता है, डेट मीन्स सेंडर की हेल्प करता है जो हमारी कम्युनिकेशन है उसे लॉजिकली कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोग्रेस को पूरा करने के लिए। दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो हमारे फैक्ट्स आइडियाज के बीच में लिंक सेटअप कर रहा है। ओके, नाइन्थ टेंथ जो है हमारा लास्ट कैरेक्टर सिक्स का है वो है कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है अगर वो नॉलेज डिराइव, जो उसके अंदर इफेक्टिव डिराइव नॉलेज फ्रॉम सेवरल साइंसेज, अगर वो कई साइंसेज के थ्रू नॉलेज डिराइव कर रहा है, डेट मीन्स एंथ्रोपोलॉजी अगर पर्सन के अंदर है, डेट मीन्स बॉडी लैंग्वेज की स्टडी उसने की हुई है, सोशियोलॉजी की स्टडी भी इसके अंदर आ जाती है, डेट मीन्स हम कम्युनिकेशन में किस किस जो सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, एक तो एंथ्रोपोलॉजी को करते हैं, डेट मीन्स बॉडी लैंग्वेज की स्टडी, सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, और साइकोलॉजी को भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं जो कि है हमारे एटीट्यूड की स्टडी, ठीक है, कि पर्सन का एटीट्यूड कैसा है। तो इन सब को स्टडी करके ही हम कम्युनिकेशन को इजीली समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन का जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है वो आखिर में कहना क्या चाहता है। ओके, तो ये थी कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अपने प्रिपेयर की तैयारी बिल्कुल करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।